लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि वो गरीबों की जगह अमीरों के लिए काम करते हैं। उन्होंने सरकारी कंपनियों को ठेके देने की जगह अंबानी और अडानी की कंपनियों को ठेके दिए हैं। प्रधानमंत्री ने 55 देशों की यात्रा की। अंबानी और अडानी को इन 55 देशों में 18 बड़े ठेके मिले हैं। 2015 में प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया और अंबानी ने एक कमजोर कंपनी अलमाजा मेंटल $6 बिलियन में खरीदी और एक महीने के अंदर ही रिलायंस डिफेंस को ठेका दे दिया। वो ये प्रमाणित कर देगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें मार के बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार के एक्सचेकर का हक दिया है। सरकारी इनकम प्राइवेट कंपनियों को दी है और सरकारी कंपनियां डूबती चली गई और चंद प्राइवेट कंपनियां खड़ी होती चली गई, मुनाफे में आ गई। चौकीदार अक्सर अमीरों के घरों के बाहर खड़े पाए जाते हैं और वहां गरीबों का